प्रोमिनेंट एक डिजाइन को बनाते हैं, ठीक है। तो हमें इन मेन एलिमेंट्स को अपने डिजाइन के अंदर जरूर ऐड करना है, तभी हम एक अच्छा डिजाइन क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद होता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, लाइक जैसे हमने ह्यू सैचुरेशन किया था कि एक ही कलर होता है और उसके डिफरेंट वॉल्यूम या उसके डिफरेंट टेक्सचर लाइट से डार्क की तरफ या उसकी कह लें कि हाई टोन और लाइट टोन, इस तरह से साइज, जिस तरह की एक अगर एक रेक्टेंगल यूज किया तो उसके डिफरेंट साइजेस यूज किए गए हैं। और उसके बाद स्पेस, स्पेसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। अगर आप अपने डिजाइन में स्पेसिंग का ख्याल नहीं रखते तो वो एक गुड ग्राफिक जो है ना वो आप क्रिएट नहीं कर पाते। हमें डिजाइन के अंदर सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है प्रॉक्सिमिटी, और फिर उसके बाद वाइट स्पेस, अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट, रिपीटेशन। अब इन चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? प्रॉक्सिमिटी होती है कि ये देखिए फर्स्ट जो है ना, यहाँ पर हमने रेक्टेंगल यूज किया लेकिन इसमें कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक प्रॉक्सिमिटी के साथ रेक्टेंगल देखा तो वो एक एक डिजाइन का लुक दे रही है, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। अगर आप अपने डिजाइन के अंदर एक रेक्टेंगल इस साइड पे रखती है, दो यहाँ रखती है, तो वो होती है एक लो प्रॉक्सिमिटी, या उसमें प्रॉक्सिमिटी का कोई ताल्लुक नहीं हुआ। अगर आप उसको एक प्रॉपर तरीके से करते हैं तो वो एक क्या हो जाती है, प्रॉक्सिमिटी कहलाती है। फिर आपको व्हाइट स्पेसिंग का ख्याल रखना पड़ता है। व्हाइट स्पेस ऐसे ये जिससे कि आप कह लें आपके डिजाइन के अंदर मार्जिन्स, जब हम लोग काम करते थे तो हमारे टीचर्स हम लोग कहते थे कि पहले आप अपने मार्जिन्स लगाएं, कॉपी के बोथ साइड पर हम इक्वल मार्जिन्स लगाते थे। तो इसी तरह डिजाइन में भी हमें मार्जिन्स का अपने ख्याल रखना होता है, और इसको कहा जाता है डिजाइन के टर्म में वाइट स्पेस। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें ताकि जब आप कोई प्रोफेशनल काम करने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना हो, या कोई क्लाइंट आपको ये ना कहे कि आपको डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स नहीं पता हैं, आप जानते नहीं है कि डिज़ाइन कैसे अच्छा बनाया जाता है। देन कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट इतना इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइन के लिए जैसे इंसान के लिए खाना ज़रूरी है। इस तरह डिज़ाइन में जो है वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, तो वो उस डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाता है। अब डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखें हज़ार डिज़ाइन हो आपके सामने तो आपकी नज़र जो है वो जाकर किस डिज़ाइन पर ठहरेगी, वो होगा एक हाईली कॉन्ट्रास्ट, जिसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। अब अगर आप इस फर्स्ट डिज़ाइन को देखें तो ये हाईली कॉन्ट्रास्ट है, इसमें ब्लैक और वाइट के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया, मतलब ब्लैक के ऊपर आपने वाइट यूज़ किया और वाइट के ऊपर ब्लैक यूज़ किया। लेकिन अगर आप दूसरा देखें तो ये इसमें कॉन्ट्रास्ट का ख्याल नहीं रखा गया, मतलब ये लेस कॉन्ट्रास्ट है, थ्री कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। आजकल जो है कि मिनिमलिस्ट का दौर है, मिनिमल डिजाइन लोग करवाना पसंद करते हैं। मिनिमल क्या होता है, कम से कम चीजों को लेकर डिजाइन करना। देखिए यहाँ पर टू कलर्स के साथ अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है, जबकि यहाँ थ्री कलर्स हैं और वो तब भी एक अच्छी लुक नहीं दे रहे। तो मिनिमल में क्या होता है कि आप लेस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, जो कि अच्छा भी। तो इस तरह से आपने अपने डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। देन रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होती है कि अगर आप एक डिजाइन के अंदर एक शेप यूज कर रहे हैं तो कोशिश क्या करें कि डिजाइन की फील सेम रहे। उसमें आप रेक्टेंगल यूज करें तो रेक्टेंगल ही यूज करें, ये ना हो कि एक जगह आपने रेक्टेंगल यूज कर दिया, दूसरी साइड पे आप आगे एक सर्कल बना देते हैं और यहाँ आके आप कहते हैं एक ट्राइंगल बना दू, तो वो एक अच्छी फील नहीं देगा आपके डिजाइन को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डिजाइन को क्रिएट करने की तरफ।